हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग्स है हमारा आउटिंग का, तो सोचा चलें आपके साथ घूमने फिरने की जगहों की बारे में बात करते हैं और आपको दिखाते हैं जहां हम गए हैं। तो आज हमारा जाने का प्रोग्राम था, तो गाइस हमने सोचा कि चलें आज सीव्यू चलते हैं। तो फौरी तौर पर जल्दी जल्दी करके जो है ना, मैं बर्गर लेकर आया, बर्गर वगैरह ला के दिए अम्मी ने, जो है ना कबाब वगैरह बनाए और हमने रेडी करके कोल्ड ड्रिंक वगैरह परचेज़ की है बाहर से ही, और हम चले गए। तो सफ़र तो बहुत किया है, सुजुकियों में भी किया है, टैक्सी में भी किया है, कार में भी किया है, बाइक पे भी किया है, मगर आज के सफ़र जो है थोड़ा मुख्तलिफ़ है। आज मैंने सोचा था कि चले हम जो ना सफ़र करेंगे वो है खुली हुई सुजुकी में। मौसम बहुत अच्छा था, बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी, तो मैंने चलें सोचा कि चलें हम खुली हुई सुजुकी हायर करते हैं। वो हायर की और उसमें हम लोग गए, मैं था, मेरी वालदा थी और बच्चे थे, तो हम लोग गए और खूब इंजॉय हमने किया वहाँ पर। और बहुत ही अच्छा साहिल था सी व्यू का, खूबसूरत तरीन साहिल था, कोई किसी किस्म की गंदगी नहीं थी, कचरा नहीं था, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। वहाँ हमने बिरयानी खाई, वहाँ हमने फिर बिरयानी खा के कोल्ड ड्रिंक खाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, और उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग पानी में बच्चे खूब इंजॉय करने के बाद फिर हम लोगों ने बच्चों को भी दिया। बच्चे शुरू में तो खा नहीं रहे थे, बाद में इन लोगों ने खाया, बर्गर वगैरह खाया। फिर हमने भी सोचा यार कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, कुछ इंजॉयमेंट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो फिर हमने बिरयानी के बाद फिर घूम फिर गए, फिर हमने बर्गर वगैरह खाए, चिप्स वगैरह, नींबू, ये चीज़ें खाई। बच्चे खेलते रहे, फिर रेत में आ गए, रेत में घर बना रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। और फिर काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर हमने देखा कुछ अंधेरा सा भी छा रहा था क्योंकि मगरब का टाइम हो रहा था। मगर साहिल जितना अंधेरा होता जा रहा था उतना ही साहिल समंदर खूबसूरती आती जा रही थी। वो पानी बेतहाशा खूबसूरत नज़र आ रहा था और पानी में ठंडक भी काफ़ी थी। तो बच्चे तो नहीं जा पा रहे थे, मगर हम लोग गए थे बाद में। एक यादगार के तौर पे मैंने अपना नाम जो है ना रेत पे लिखा था। मैंने कहा देखते हैं साहिल समंदर पर पानी हमारे नाम को मिटाता है या नहीं। तो काफ़ी देर तक वो लिखा रहा, और ये देखें डूबते सूरज की पिक्चर्स कितनी खूबसूरत हैं। ये छोटी मेरी बेटी है, क्योंकि शाम का टाइम था तो पानी बहुत स्पीड से जो ना बह रहा था आगे की तरफ, तो वो मेरे साथ खड़ी हुई थी। ये देखें वो पानी कितना खूबसूरत, साफ़ सुथरा पानी है, साफ़ सुथरा साहिल है, किसी किस्म का ज़रा सा भी कचरा नहीं था। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और शुरू ही में साहिल समंदर सी व्यू के शुरू में ही हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की और वहीं पे ही हमने इंजॉयमेंट किया, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत कम था। फैमिली के हिसाब से फैमिली के लोग वगैरह बैठे हुए थे, तो हमने वहीं पे जो है ना हमने भी चादर वगैरह बिछा के बैठ गए और खूब इंजॉय किया। और साहिल समंदर भी वहाँ का बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था और रश भी बहुत कम था, फैमिली वाले लोग बैठे हुए थे, तो हमने सोचा चले हम भी यहीं पर जो है ना बिछा के चादर वगैरह बैठते हैं। ये देखें डूबते सूरज की पिक्चर्स। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मैंने कोशिश की है और अच्छा बनाने की, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हाँ, मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहता हूँ कि आप लोग भी, अभी मौसम बहुत अच्छा है, आप लोग भी जाएं साहिल सी व्यू के साहिल पे और खूब इंजॉय करें। मैं जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर जाना हो आपका तो अपनी फैमिली के साथ जाएं, और दोपहर से पहले जाएं, जो अच्छे से इंजॉय कर लें।